आप देख रहे हैं दादा दादी की कहानियां सिर्फ सागर पिक्चर्स पर। दादा दादी की कहानियां, दादा दादी की कहानियां, सदियों याद रही, भूला नहीं कोई, बचपन ने सुनी दादा दादी की कहानियां, दादा दादी की कहानी। दादाजी, ये दादी माँ हर वक्त माला के फेरती रहती है। भगवान का नाम ले रही है बेटा। हाँ बेटी, जिसको भगवान पर विश्वास होता है वही भजन करता है। विश्वास से क्या होता है दादी माँ? विश्वास, अरे बेटी, विश्वास का फल तो बहुत ही मीठा होता है। मीठा भी होता है और खट्टा भी होता है। फल और खट्टा? हाँ बेटा, कुछ लोग भगवान का नाम लेकर सौदेबाजी करते हैं, भगवान का नाम लेकर लोगों को धोखा देते हैं, जैसे चतुर चालू महाकचालू राम भजन शास्त्री। उस शास्त्री का बेटा जरूर था लेकिन खुद अनपढ़ था। उसका विवाह हुआ एक दूसरी शास्त्री की बेटी जिसका नाम था चंपा देवी। खुद वो कुछ काम धाम नहीं करता था इसलिए घर जवाई बन के बैठा रहता था और दूसरों को दिखाने के लिए भगवान का नाम लेता था, भजन वजन करता था, लेकिन दिन भर शतरंज खेलता था अपने एक दोस्त के साथ जिसका नाम था जगदम्बा प्रसाद। राम भजन शास्त्री की पत्नी चंपा शतरंज से बहुत चिढ़ती थी। जब जगदम्बा खेल के चला जाता था अपने पति से बहुत झगड़ा करती थी। अरे वो चंपा बेटी, राम भजन शास्त्री घर में है क्या? कहे ज्योतिष लगवाना है। क्या मजाक कर रही हो? 10 साल हो गए मेरे विवाह को, अभी तक मैंने तो नहीं देखा कि कभी सही ज्योतिष लगाया हो उन्होंने। हाँ, शतरंज के प्रखंड पंडित है, वहां मंदिर में बैठे होंगे अपने उस निठल्ले दोस्त जगदम्बा के साथ शतरंज की बाजी बिछाकर। ये बच्चा शास्त्री अपना मंत्री खेल लिया है। मैंने तेरा मंत्री अभी निकालता हूँ जैसे मक्खन से बाल। अच्छा, संभाल तेरा घोड़ा बचा, ये गया। ची 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 शास्त्री, तू शतरंज बड़े अच्छी खेलता है। एक बात बता मुझे, बता, तू पढ़ा लिखा तो है नहीं, फिर ये तू शास्त्री कैसे बना? देख, घोड़े का बेटा घोड़ा, हाथी का बेटा हाथी, और राजा का बेटा राजा। बस इसीलिए रामकिशन शास्त्री का बेटा राम भजन शास्त्री ज्योतिषाचार्य। चल हट हट, तुझे ज्योतिष तो बिल्कुल नहीं आता। देख चेक पापा, जो ज्योतिष लगाते हैं उन्हें ज्योतिष आती कहाँ है? देख, मैंने अपने पिताजी से सुन रखे थे 9 ग्रह और 12 ग्रह होते हैं, बस उसी के भरोसे अपना काम चला लेता हूँ। ब्राह्मण का बेटा हूँ, लोग पूछते हैं बता देता हूँ, कभी चित्त और कभी पट्ट। राम 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 राम, शास्त्री के बेटे होकर शतरंज खेलते हो और वो भी मंदिर के आंगन में। तो क्या हुआ महाराज, ये शतरंज है जैसे जन्म कुंडली होती है ना, वैसे ये बुद्धि की कुंडली है। देखिए ना ये राशियां और ये राशियों के घर। अरे शास्त्री महाराज की जय। अरे आप तो तब मानेंगे कि जब तुम हमें बता सको कि हमारा बेटा जो 2 महीने से ससुराल में बैठा हुआ है वो कब लौटेगा। महाराज हमारे पास इस वक्त पंचांग नहीं है। पंचांग? पंचांग, अच्छा मैं लाता हूँ। शास्त्री, तूने मंत्री तो बचा लिया लेकिन अब तू फंस गया। अब मैं ही तुझे सिर्फ बचा सकता हूँ। बता बता, अरे 5 वाले गांव में गया था ना, वहाँ इसका बेटा मुझे मिला था, बोल रहा था कि 2-3 दिन में गांव वापस आ रहा हूँ। जगदम्बा, मुझे बचा लिया, मुझे बचा लिया। महाराज महाराज इधर आइए, इधर आइए, हम बताते हैं इस शतरंज से कि आपका पुत्र कहाँ है और कब मिलेगा। अरे अरे अरे, बताइए बताइए। ये देखिए, चंद्र आपके 7वें घर में, अच्छा, और कल 8वें घर में आएगा। घोड़ा 2.5 चाल चलता है, 2.5 दिन में आपका पुत्र आपके घर में होगा। 2.5 दिन के अंदर? सच? और नहीं तो क्या,
राम भजन शास्त्री का ज्योतिष कभी झूठा नहीं होता, और कभी झूठा साबित हो जाए तो हम शास्त्र को आग नहीं लगा दे। धन्य हो, धन्य हो। अरे सुखी रहो, मैं अभी जाके पूजा करता हूँ, प्रसाद चढ़ाता हूँ। रानी, रानी, रानी मरी का ये? अरे तेरे घर की रानी आ रही है। चंपा रानी, तुम इस समय क्यों, भूख नहीं लगी क्या? भूख तो लगी है, लेकिन तुम्हें देख के भूख मिटी। मैंने सोचा कोई बाजी फंस गई होगी तुम्हारी, इसीलिए खुद ही खाना लेके आ गई। क्यों जगदम्बा, खाना नहीं खाओगे? नहीं भाभी, मैंने अभी स्नान नहीं किया है, मैं नदी पे नहाने जा रहा हूँ। मैं नदी पे नहाने जा रहा हूँ, मैं नहाने जा रहा हूँ, मैं स्नान करने जा रहा हूँ, मैं नहाने जा रहा हूँ, मैं स्नान करने जा रहा हूँ। चंपा रानी, तुम मेरा कितना ख्याल रखती, मेरी माँ भी कभी मेरा इतना ख्याल नहीं रखती। क्या लाइए ठीक है चंपा रानी? रानी, रानी की डॉक रानी, सारा दिन मैं घर का काम करती हूँ, और एक तुम हो यहाँ बैठ के इस मुझ शतरंज। मत मत रो चंपा रानी, तुम्हें मेरे माथे की कसम, तुम रोगी, तुम्हें भी वापस। उस दिन के बाद राम भजन शास्त्री का शतरंज खेलना बंद हो गया। क्यों? अरे अपनी घरवाली से डरता होगा, तुम्हारी दादाजी की तरह थोड़ी दिन रात मुझे फटकारते रहते हैं। ये बात नहीं, जब वो नदी में नहाने गया, कौन? अरे वही जगदम्बा है। जगदम्बा जब नदी में नहाने गया, मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। हाँ राम, वो बहुत चिल्लाए लोगों से बचाओ बचाओ, लेकिन लोग आते आते मगरमच्छ उसका आधा शरीर खा गया, और आधा शरीर लोगों ने चिता पर चढ़ा दिया। इससे तो अच्छा होता मगर पूरा शरीर खा जाता। अरे आधे शरीर का संस्कार करो तो उसकी मुक्ति नहीं होती है। तो भूत हो गया ना? हाँ। तो भूत ही हो जाता वो, लेकिन उसे मुक्ति मिले या न मिले, चंपा देवी को मुक्ति मिल गई, क्योंकि शतरंज खेलने वाला और कोई नहीं था। चंपा रानी का काम करो, शास्त्री का ये काम है क्या? मित्र भी गया, सब गया, शतरंज गया, शास्त्री। तुम जिंदा हो? शास्त्री बा, देख ली तुम्हारी दोस्ती, मैं तो मरने के बाद भी तुम्हारे पास आया हूँ, और तुम भी मुझे भूत कह रहे हो। तो भूत नहीं? क्यों भी, तुम तो ना कहो। सच सच बंधु, तुम अगर भूत होते तो आधे नहीं होते, पूरे होते। तुम भूत हर किस लिए हो सकते हैं? शतरंज बिछाओ। इसीलिए तो आया हूँ, तू मुझे बहुत याद आता था, शतरंज बहुत याद आती थी। वो मगरमच्छ बड़ा निर्दयी था, मगर मैं तो उसका धन्यवाद करता हूँ जिसने तुम्हें खा लिया। हाँ, ये तो अच्छा हुआ कि उसने मेरा नीचे का धड़ खाया, अगर ये ऊपर का खाता तो मैं शतरंज कैसे खेलता। ये तुमने बड़ी बुद्धि की बात की बन्नू, मगर मगरमच्छ को कैसे मालूम कि तुम शतरंज खेलते हो? वो भी तुम्हारी तरह ज्योतिषी होगा। बंधु जगदम्बा, आज बहुत दिनों के बाद शतरंज खेल रहे, पहले मैं खेलूं। ये चला। सत्यानाश, फिर शतरंज खेले। जगदम्बा भाग जा से, तेरी भाभी आ रही, हाथ में बड़ा सा डंडा लिए। आने दे, मुझे शत्रु नहीं देख सकते, मुझे सिर्फ मित्र देख सकते, मुझे कोई नहीं देख सकता सिवाय तुम्हारे, मुझे कोई नहीं देख सकता। किससे बात कर रहे थे? कौन खेल रहा है तुम्हारे साथ? मुआ जगदम्बा तो मर गया, पर इसमें शत्रु से मेरा पीछा नहीं छूटा। अरे भगवान,
जगदम्बा को गाली क्यों देती हो? अगर वो भूत बनकर आ गया तो हम लोगों की खटिया खड़ी कर देगा। मुझे डरा रहे हो? उठो उठो, तुम मुझे क्या ऐसी वैसी समझते हो? मैं पंडित बृजनारायण शास्त्री व्याकरण शास्त्री की बेटी हूँ। अगर उस तुम्हारे जगदम्बा को एक मंत्र पढ़ दिया ना, तो सारी जिंदगी गधा बनकर रहता रहेगा। मेरी बात तो सुनो। मुझे तो सुनना नहीं है। इस घर में अब मैं रहूंगी या तुम रहोगे? अरे मगर तुम अकेले कहाँ जाओगे? आ, मैं तुम्हें छोड़ देता। चलो, मैं क्यों जाऊँ? ये घर मेरा है, मेरे पिता का है। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, जान छोड़ो मेरी। अरे मैं इस घर का जमाई हूँ, मैं तुम्हारे पिता का जमाई हूँ। आय हाय हाय हाय, मेरे पिता की जमाई हो ना, तो जाओ उनको लेकर आओ। अरे बात करने लगी हो, मैं आ जाओगे? अब इस घर में नहीं रहूंगा। हाँ जाओ, जाओ। मैं इस घर में रोटी भी नहीं खाऊंगा। कोई जरूरत नहीं, मत खाओ, जाओ। मैं आऊंगा नहीं, खेत में तुम रोटी लेकर के आओगी तो कहूंगा नहीं मिलूंगा। मैं रोटी लेकर नहीं आने वाली, तुम ही आओगे जूतियाँ चटकाते, यहाँ रोटी खाने पड़े आए। अरे घर की लक्ष्मी होकर अपने पति को घर से निकाल देती है, महा अधर्म है। ओम नमः शिवाय। अरे अरे शास्त्री जी, लोग मंदिर में फल और फूल लेके आते हैं, आप बिस्तर उठा के चले आए। क्या करें महाराज, हमें मालूम है कि मंदिर में लक्ष्मी का आशीर्वाद लेने के लिए लोग आते हैं, लेकिन मेरी धर्म पत्नी यानी लक्ष्मी ने मुझे घर से लात मार कर निकाल दिया है। अरे शास्त्री जी, आप आइए आइए। शास्त्री जी, आपका ज्योतिष तो महान है, मेरा बेटा दूसरे दिन ही वापस आ गया था। वाह स्वामी जी, इनकी धर्म पत्नी ने इनको लात मार के घर से बाहर निकाल दिया और आप बोलते महान ज्योतिषी है। बेटे, घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। जगदम्बा तू आ गया। क्यों शास्त्री, तुम तो घर से ऐसे निकाल दिए गए जैसे मक्खन में से बाल। तुम तो घर जो आई थे। क्या कहो शास्त्री, जब तक सूरत लगाई को भाई तब तक घर जमाए, नहीं तो दुखदाई। यानी अब तुम शास्त्री से दुखदाई हो गए हो हमारी भाभी के लिए। जगदम्बा तू चाहे तो एक काम कर सकता है, तुझे तो कोई देख नहीं सकता, तो मेरे लिए कम से कम में रखे थे और इस मुई के सामने ही। सुलोचना, तू मंदिर में जाकर हाथ में गंगा जल लेकर सौगन खा सकती है। मंदिर ले चलो, चाहे हरिद्वार, चाहे ज्योतिष लगा कर देख लो, मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की। अरे काकी, तुम भी कहाँ चक्कर में पड़ रही हो, इन्हें ज्योतिष ज्योतिष कुछ नहीं आता। अरे बाबा तू चुप करना, इन्हें ज्योतिष तो लगाने दे। सुन यहाँ सुन, जो है सो है। प्रश्न कुंडली भर्गु ऋषि कहते हैं चोरी का प्रश्न सत्य है। सत्य है ना? प्रश्न सच्चा है लेकिन बात झूठी, करनी कोई करे उंगली दूसरे पर धरे। देवी तुम अपने शयन कक्ष में जाकर देखो, अर्थात सोने के कमरे में, वहां तुम्हें सारे गहने मिल जाएंगे। ये तो हो ही नहीं सकता,
ये सब झूठ है। अरे अरे चंपा बेटी, हमारे साथ चलकर देख लो, ये सुलोचना भागे थोड़े जा रही है। मैं अभी तुम्हारा ज्योतिष झूठा साबित करती हूँ। घर से तो मैंने तुम्हें निकाला है ना, गांव से ये लोग तुम्हें निकाल देंगे। जल्दी सुलोचना, चाची को समझा दो। अरे जगदम्बे, ओ जगदम्बा, अगर वहां नहीं मिला तो मेरा क्या होगा, तू तो जानता ही है, सिर का तरबूजा बन जाएगा। हाय दिया, अरे इतना खरा और इतना सच्चा ज्योतिषी। पति तो परमेश्वर होता है, मुझे शांति कर दीजिए, मुझसे भूल हो कर दिया। तो चलिए अपने घर चलिए। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा, वहां तो मुझे शतरंज खेलने नहीं दोगे। नहीं, अब मैं आपको शतरंज खेलने से नहीं रोकूंगी, मैं खुद आपको शतरंज बिछा कर दूंगी, और कोई भी खेलने आएगा तो उसे मना नहीं करूंगी। आप चलिए ना। नहीं, ये मैं पकड़ लूं। ज्योतिष श्री रामभजन शास्त्री जी यहाँ रहते हैं? हाँ यही रहते हैं, मेरे पति हैं। ये बैठे हैं ना। प्रणाम। आप ही हैं? कुछ काम है? ज्योतिष लगवाना है। किसी का माल मार के आए हो? नहीं नहीं नहीं, विदेश से लौट रहा हूँ। 40 सोने के मोहरे लाया था, ये राज कर्मचारियों ने सारे मोहरे ले लिए और ये रसीद दे दी। बताइए, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा माल ये मुझे कब मिलेगा? बता दो ना बेचारे को। जरा हिसाब कर लूं। अच्छा, राहुल छठे स्थान में है, उसमें चंद्रमा की छाया पड़ रही है, इसका मतलब ये हुआ। हो गया, 2 दिन में सारा माल मिल जाएगा, तुम राजा के यहाँ चले जाओ। ठीक है, मैं दरबार से सीधा आपके पास आता हूँ। लीजिए ना, अब तो खा लीजिए। हाँ खाता हूँ खाता हूँ, जरा सोच लो। महाराज, सब कागज पत्र तैयार हो गए, आप मुहर लगा दीजिए। विष्णु प्रसाद, एक गरीब धन इकट्ठा करके विदेश से लाया था, तुमने से ले लिया? मैंने नहीं महाराज, वो तो राजकोष में जमा है। क्यों, किस लिए? वो धन इकट्ठा करके अपने देश में ला रहा था, यहां से ले जा नहीं रहा था। उस धन से वो यहां व्यापार करता, गरीब जनता को 4 पैसे मिलते, और तुम गरीब लोगों को दुखी करते हो, दंड के अधिकारी हो तुम, उसका धन आज ही लौटा दिया जाए। अब एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं कल 7 दिनों के लिए भूतों के दरबार में जा रहा हूँ, जहां मुझे मेरा अधूरा शरीर मिलने वाला है, फिर मैं पूरा हो जाऊंगा, पूरा हो जाऊंगा। ऐसा मत करो यार, तुम रहोगे तो भूत ही ना, मनुष्य तो नहीं बन जाओगे। नहीं, रहूंगा तो भूत ही, लेकिन पूरा हो जाऊंगा। ऐसा ना कहो यार, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा? ऐसा मत करो, देखो लोग मुझसे पूछने आएंगे तो मैं उन्हें क्या बताऊंगा। तुम एक काम करो, 7 दिनों तक तुम कोई ज्योतिष मत लगाना, अगर कोई ज्योतिष लगाने आए तो तुम बीमार पड़ जाना। अगर तुमने ज्योतिष लगाने की कोशिश की तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। देख देख जगदम्बा, तू जाए मत, यार मैं फंस जाऊंगा यार, देख। महाराज, ज्योतिषी तो आपके राज में एक ही है, रामभजन शास्त्री, जिन्होंने हमें बता दिया था हमें हमारा धन कब मिलेगा, और मुझे मेरा धन मिल गया, बल्कि एक दिन पहले मिल गया। महाराज, रामभजन ज्योतिष शास्त्री को हमारे सामने पेश किया जाए। हमने तुम्हारी ज्योतिष विद्या के बड़े चर्चे सुने ज्योतिष शास्त्री, हमारी राजकुमारी का 9 लाख हार गुम गया है, ज्योतिष विद्या से हमें बताओ कि ये काम किसने किया है, हम उसे भयानक दंड देंगे। महाराज, मियादे क्या हो, सूर्यास्त होने से पहले अगर वो हार नहीं मिला और चोर का पता नहीं चला तो हम तुम्हें सूली पर चढ़ा देंगे। जगदम्बे,
महाराज हमें राज मंदिर पहुंचवा दीजिए, हम वहां प्रार्थना करेंगे। ले जाओ इसे। भगवान आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। उस भूत के बच्चे ने मुझे फंसा दिया, वो खुद पूरा होने के लिए गया, मुझे आधा कर दिया। भगवान महाराज मुझे सूली पर चढ़ाने वाले हैं, मैं आपको सवा मन का लड्डू चढ़ाऊंगा, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। जगदम्बा तू एक बार मेरे सामने आ जा, मैं तुझे कच्चा चबा दूंगा। महाराज मुझे सूली पर चढ़ाना चाहते हैं, मैं महाराज से कह दूंगा जगदम्बा को सूली पर चढ़ा दो, वही इसी मुसीबत की जड़ है। कौन 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 हो तुम, कौन हो? मैं जगदम्बा राजकुमारी की दासी। हार मैं नहीं चढ़ाई महाराज, मुझे बचा लीजिए महाराज, मुझे बचा लीजिए महाराज। जगदम्बा तुम जगदम्बा हो? तुम जगदम्बा हो? क्या तुम्हारा भी नाम जगदम्बा है? तुम जगदम्बा हो? तुम जगदम्बा हो? तुम्हें राजकुमारी का हार चुराया है? लाओ कहाँ है वो हार, जल्दी दो। तेरे के हार इतना इतना माल मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, बोलो तुम्हें जो माल कितना दोगे? तुम मुझे कितना माल देगी? ये लीजिए सोने की पांच मोहरे हैं। पांच मोहरे सोने की? तो एक काम कर, तू राजकुमारी के तकिए के नीचे इस हार को छिपा के रख दे। राजा पूछेंगे तो मैं कह दूंगा ज्योतिषी के अनुसार वह हार राजकुमारी के तकिए के नीचे है, बस काम हो गया। चल जल्दी भाग। ज्योतिषी हो तुम? कौन हो? महाराज दूर तो पक्के मकार। ज्योतिष विद्या के नाम पे हमारी भोली वाली जनता को उल्लू बनाते हो, इसकी सजा मिलेगी तुम्हें। ले जाओ इसे और सूली पर चढ़ा दो। तो बच्चों कुछ न जानते हुए अपना मतलब निकालने के लिए जो भगवान का नाम लेकर दूसरों को धोखा देते हैं उनका फल हमेशा खट्टा होता है। तो सुनो बच्चों, छन्न पकैया छन्न पकैया छन्न पे कहते संत, भगवान के नाम पे दे जो धोखा बुरा है उनका अंत। तो देखते रहें दादा दादी की कहानियां सिर्फ सागर पिक्चर्स पर। और हाँ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें।